What is knee replacement surgery? किसको कराना चाहिए? Who should get a knee replacement surgery done? Is it painful? It's a very important question. Hello and welcome back. I am Dr. Vikram Maskar, a knee specialist from New Delhi, India, working out of Max Hospital, Saket. So let's talk about knee replacement surgery. What is knee replacement surgery? Is it a replacement? It's wrong. In a normal knee replacement surgery, we do not replace the knee. So what do? जब आपके घर में पेंट निकल जाता है दीवारों से, तो आप क्या करते हो? क्या आप दीवार को पूरी तरीके से तोड़ के नया दीवार खड़ा कर देते हो? No. पेंटर आता है, he takes a sandpaper or a rough paper and rubs against the wall. He rubs it till all the leftover paint is away and then starts painting it again. वैसे ही हम भी वही करते हैं, जो बचा कुचा चिकनाई या पॉलिश है घुटने के ऊपर, उसको हम रब ऑफ करके निकाल के घुटने के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, जो इस कार्टिलेज या चिकनाई का एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये चीज एक पूरा नया घुटना नहीं होता, बस घुटने के ऊपर घुटने के जो हड्डियां हैं, जो घुटनों को बनाती हैं, उनके ऊपर हमें कैप लगा देते हैं जो चिकनाई जनक है, ताकि फ्रिक्शन या रगड़ ना खाए घुटने। दूसरा प्रश्न, किसको कराना चाहिए? Who should get a knee replacement surgery done? Those people whose knees are destroyed in the sense कि कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो गई है, और जिनको दर्द हो रहा है, और दर्द के कारण वो चल फिर नहीं सकते, या they cannot walk, or they are having problems with activities of daily living, and they feel that their quality of life, मतलब जो वो करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं दर्द के वजह से, उनको घुटने के रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और ये ऑब्वियस है कि जब आदमी जवान हो तो हम कोशिश करते हैं घुटने को बचाने के लिए, पर जब अगर आप बुजुर्ग हैं, 50-55 से ज्यादा हैं, 60 से जरूर ज्यादा हैं, तो नी रिप्लेसमेंट एक रियलिस्टिक ऑप्शन है, अगर आपके घुटने पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, इज इट पेनफुल? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर लोग इस ऑपरेशन से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत दर्द होता है, और पुराने जमाने में ये एक ट्रूथ था, क्योंकि हमारे पेन कंट्रोल मैकेनिज्म्स या एनेस्थीसिया जो था वो इतना डेवलप नहीं था। आज के जमाने में जब डिलीवरी भी होती है तो जो माएं हैं उनको चिल्लाना नहीं पड़ता, जैसे पुराने हिंदी मूवीज में हम देखते हैं। ये क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एक विशेष तरीके से, जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी सुई आपके रीढ़ की हड्डी में लगती है, जिसके साइड में एक कंटेनर होता है और एक ट्यूब कनेक्टेड होती है, जिससे मेडिसिन जो है आपके स्पाइन में जाती है, जो आपके नीचे वाले हिस्से को पूरी तरीके से सुन कर देता है। सुन मतलब आप महसूस नहीं कर सकते, पर हिला डुला सकते हैं। इससे क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद भी नसें जो आपको सेंसेशन देती हैं या महसूस देती हैं, वो ब्लॉक्ड रहती हैं और दर्द नहीं होता, पर आप अपने घुटने को और अपने पंजों को हिला सकते हैं। जब तक दर्द पूरे संतुलन में नहीं आ जाए, जिसको लगते हैं तकरीबन 48 से 72 घंटे, हम ये वाली मैकेनिज्म बरकरार रखते हैं, और जब दर्द संतुलन में आ जाए तो टैबलेट से काम चल जाता है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हैव बीन आंसर्ड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड होप टू सी यू लेटर।